नमस्कार, केमन आछेन सबाई? आज के ब्लगे सबाई के स्वागत जानाई। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, एकादशी है और एकादशी के लिए जो भी कुछ पकवान बनता है तो वो आज बनाऊंगी और आप लोगों से शेयर करूंगी। ऐसे तो कल भी मेरा व्रत था मंडे का और आज एकादशी का व्रत है। चलिए काम शुरू करते हैं। एक सूखी मिक्सिंग जार लेना है ताकि हम जो साबूदाना सूखा डालेंगे वो इसमें चिपक ना जाए। मैं करीब 200 ग्राम तक साबूदाना लिया और इसके साथ आप चाहे तो जीरा नहीं तो सौंफ भी हल्का सा भून के डाल सकते हैं, लेकिन आज मैं नहीं डाल रही हूँ। मैं 3 सूखा लाल मिर्ची दे इसमें डाले और इसको अच्छे से पीस लिया। ऐसे कुछ होगा इस तरीके की। फिर इसको एक्साइट कर दी। अभी एक कटोरी में मेरा जो जार है इसका एक ढक्कन और थोड़ा सा लिया, क्योंकि मुझे ज़्यादा खीर नहीं बनाने में, खीर बनाने के लिए साबूदाना भिगो रही हूँ। दोनों बच्चे खीर नहीं पसंद करते इतना, इसीलिए मैं थोड़ा सा बना रही हूँ कि भगवान को और मेरा हो जाए। इसमें पानी डाल के 1 घंटा भिगो देंगे तो आराम से बन जाएगा। अभी आलू बॉईल कर ली थी तो उसको छील लेती हूँ। थोड़ा ज़्यादा ही आलू बॉईल की, क्योंकि मेरा थोड़ा तबीयत ख़राब चल रहा है, इसीलिए 2 टाइम का एक साथ ही बना रही हूँ। अभी जो बड़ा वाला आलू वो करीब 300 ग्राम का वेट था, तो इसको मैं अच्छे से ये कद्दूकस मेरे पास नहीं है तो ये स्लाइसर से स्लाइस कर लिया और इसमें 1/2 चम्मच संधा नमक मैंने डाला। और उसके बाद जो पीसी हुई साबूदाना पाउडर था उसको इसमें डाल दी। फिर अच्छे से इसको अपने हाथ से मसल मसल के एक डो तैयार करना है। इसमें पानी बहुत लगता है शुरू में, आप अच्छे से पानी देके इसको मसल लेना और तब भी देखोगे बाद में ये सूखा ही दिखता है, तब भी थोड़ा पानी डाल के इसको मसल लेने से सही रहता है। अभी मैं इसमें थोड़ा ज़्यादा करके पानी डाला तो आपको लग रहा है कि ज़्यादा नरम हो गया, लेकिन ये धीरे धीरे पानी खींच लेता है। जैसे कि ये डो मेरा तैयार हो गया, अभी मैं इसको एक साइड में रखेंगे। उससे पहले ऐसे उंगली से छेद छेद करके ये छेदों में पानी भर देंगे, क्योंकि जब हम ये ढक के रखेंगे बाद में जब खोलेंगे तब ये 1/2 घंटे 1 घंटे बाद पूरा सूख जाता है, हार्ड हो जाता है। तो ये पानी इसलिए डाल रही हूँ ताकि वो उतना सूखे ना। फिर ढक के एक साइड में रख देते हैं। आज बाबू सोने के लिए भी पूरी बनेगा, क्योंकि एकादशी में मैं चावल नहीं देती हूँ। तो मैदे में तेल, नमक और चीनी डाल के मैम लगा रही हूँ। अच्छे से मैम देने के बाद थोड़ा थोड़ा करके पानी देके आटा को गूंद लिया और अच्छे से गूंदने के बाद थोड़ा सा तेल डाल के ढककर उसको एक साइड में रख लेंगे। उसके बाद मैं के लिए मेरे आज चावल बनाना पड़ेगा, वो दोपहर में रोटी पसंद नहीं करता है। तो चावल धोकर रख ली और अभी इसको इंडक्शन में 10 मिनट के लिए पकाएंगे, फिर वो अपना आप पक जाता है ढक के रखने से। तो अभी इंडक्शन में इसको बिठा दिए। जब तक मैक्स का ये चावल पकेगा तब तक मैं दूसरा काम भी कर लूँगी। अभी थोड़ा सा ये कद्दू घर में बचा था तो उसको मैं सब्जी पकाऊंगी आलू के साथ। बच्चों को इतना कद्दू पसंद नहीं है, फिर भी आज बनाऊंगी, उनको पता नहीं चलेगा क्योंकि ये कम है। 1 टमाटर और 4-5 हरी मिर्ची, थोड़ा सा
अदरक के टुकड़ा मैं तैयार कर रही हूँ मसाला के लिए। एक छोटा सा कटोरी में मैं कुछ थोड़ा सा दही लेके उसके अंदर हरी मिर्च का पाउडर, हल्दी पाउडर और जीरा पाउडर और फिर ये धनिया पाउडर डाल के एक मसाला का मिक्सचर तैयार कर ली। फिर कढ़ाई गर्म होने के लिए दे दिया और इसमें घी डाल रही हूँ। अभी घी जब तक गर्म हो तो उसमें थोड़ा सा जो मूंगफली है वो भून लेती हूँ, क्योंकि ये सब्ज़ी में डालूँगी मैं आज ऐसे। और थोड़ा जो खीर बनाऊँगी उसके लिए भी जो ड्राई फ्रूट्स है उसको धोकर रखी थी, अच्छे से फ्राई करके रख ली। वे थोड़ा सा जीरा इसमें छोंक के लिए डाल दिया और उसके बाद जो मसाला पीस के रखे थे उसको इसके अंदर डाल दिया। अच्छे से भून लेंगे जब तक तेल ना निकले। तेल निकल गया तो जो दही के साथ मसाला हम मिक्स करके रखे थे उसको अब इसमें डाल देंगे। अब ये जो छोटा छोटा आलू बचा था उसको मैं सब्जी बनाऊंगी, इसको काटूंगी नहीं, हाथ से ही ऐसे मसाल लूँगी थोड़ा थोड़ा करके, ज़्यादा नहीं। उसको ये मसाला मेरा भून चुका है, इसी में ही मैं डालूँगी। डाल दी मसाले में, अभी इसको अच्छे से थोड़ी देर के लिए पकाऊँगी। और जब लगे कि नहीं हो गया, इसमें थोड़ा सेंधा नमक एक चम्मच डाल दूँगी और उसके बाद थोड़ा सा पानी, ज़्यादा नहीं क्योंकि ये बॉईल किया हुआ है। अभी खीर के लिए दूध मैं इंडक्शन पर रख दी और दो इलायची कूट के उसमें डाल दूँगी। दूध को तब तक पकाएंगे अच्छे से जब तक ये उबाल ना आ जाए अच्छे से। उबाल आने के बाद उसमें ये साबूदाना जो मैं भिगो के रखी थी वो डालूँगी। अभी इसमें उबाल आ गया, अच्छे से उबाल आया, थोड़ी देर दूध कम हुआ, सूखा है मतलब गाढ़ा हुआ है, उसके बाद मैं डाल दी। कढ़ाई में जो मूंगफली फ्राई करके रखी थी वो डाल दी और थोड़ा सा पानी भी डाल दी क्योंकि मूंगफली के साथ वो पानी थोड़ा सा डाल दी। अभी ये तैयार हो गए, इसमें अब चाहो तो गरम मसाला ऐड कर सकते हो, गरम मसाला पाउडर। अभी ये पूरी के लिए जो हम भिगो के आटा लगा के रखे थे साबूदाना के, उसका दो हिस्सा कर लिया। तो मेरे पास ये है काटने के लिए, तो इससे मैं छोटा छोटा लोइया बना लूँगी। खीर भी लग रहा है, पक रहा है, तो मैं थोड़े 20-25 मिनट तक इसको पकाऊँगी। अभी खीर जो मैं गरम करके रखी थी उसी से इसको बेलूँगी। घी कढ़ाई में गरम हो चुका है तो साबूदाना का एक एक पूरी बेलते जाऊँगी और उसको तलते जाऊँगी, नहीं तो चिपक जाता जल्दी। और अच्छे से गरम पकने तक इसको फ्राई करूँगी। अभी खीर में जो फ्राई किया हुआ ड्राई फ्रूट्स था वो मैं डाल दी। खीर मेरा 25 मिनट तक पक चुका है। अभी बाबू सोनू के लिए जो मैं मैदा लगा के रखी थी उसका भी दो हिस्सा कर लेती हूँ, फिर जितना चाहिए उतना मैं यूज़ करूँगी। छोटे छोटे लोइया बना के उसको भी घी से ही फ्राई करूँगी और घी से ही इसको बेलूँगी। इसके बाद जो मेरा बेल लिया तो उसको वो शुरू से ही छेकूँगी, इसीलिए प्लेट से चेंज कर ली। अब ये तल के अच्छे से निकला तो धीरे धीरे मैं सारे पूरियाँ तल रही हूँ। मेरा सारे पूरी अब तक का तल गया है। ये साबूदाना का पूरी और ये है खीर साबूदाना का। अगर आज के वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर कमेंट्स एंड सब्सक्राइब कर देना अपना।